और हम लगातार यहां पर ग्राउंड जीरो से जानकारी ले रहे हैं कि नूह हिंसा के बाद जो है हालात किस तरीके से मिसेज में जो कल अलग अलग समय पर वारदातें हुई वो सारी कंट्रोल में है और वहां पर जो परिस्थिति बनाने वाले लोग थे जो माहौल जैसे खराब हुआ उनको अधिकतम को अरेस्ट कर लिया गया है। दो हमारे होमगार्ड के जवान इस दौरान शहीद हुए हैं और 3 कैजुअल्टी सिविलियन की हुई है। लगभग 60 के आसपास लोग अभी लोकल हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है, पैरामिलिट्री डिप्लॉयड कर दी गई है और जो सिक्योरिटी एहतियातन हमें करनी चाहिए उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई है। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसा कर बढ़ने का काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो SP भिवानी थे उनको डिप्लॉय कर दिया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है हर पहलू को और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने रखा जाएगा। अभी क्या हालात क्या है सर? पीसफुल है, मेरी सुबह भी बात हुई है अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक कोई छोटी घटना के अभी हमारे पास संकेत नहीं है। अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे, 12 हमारे 16 बल अलग अलग फोर्सेस के ITBP के CRP के और BSF के डिप्लॉय हो गए थे और मुझे लगता है सफिशेंट अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर एक सवाल ये कि मामन खान हो या फिर मोनू माने सर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बरगलाने की कोशिश की जिसके बाद ये हिंसा। देखिए जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व मिलेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई। विपक्ष वाले सर लगातार सवाल कर रहे हैं उठा हो सुरजेवाला पूरे मामले पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर एक सवाल, कुछ लोग मेवात और नूह की घटना के बाद मिनी पाकिस्तान जाके बुला रहे हैं, क्या ये? देखिए मैं ये मानता हूँ कि मेवात का जो इतिहास रहा है ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ रहा है। और आज नहीं, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पे सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो सोच का कुछ नहीं किया जा सकता।